दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का सबसे मजेदार और धमाकेदार टॉपिक वर्ब, जिसके बिना हर सेंटेंस अधूरा है, उसी के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ब एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, पार्ट्स और स्पीच के अंदर, जिसके बिना हर सेंटेंस अधूरा है। हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होती होती है। इसका जितना नाम छोटा दिखता है ना, ये सबको इतना ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वर्ब हमारी बहुत सारी वर्ब होती है, मतलब अनेकों वर्ब होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। जो भी टॉपिक होता है ना, कम से कम एक दो टॉपिक हो तो वर्ब का नाम दे ही दिया जाता है। हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होती होती है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है ना, तो वो सेंटेंस ही नहीं है, और वो जो भी कुछ है उसे हम अगली वीडियो में या फिर कभी भी जिक्र कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब के मेन टाइप्स मैं आपको बताऊंगी, और टोटली मान लो इंग्लिश ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक है जिन्हें वर्ब का नाम भी दे दिया है, उन्हें भी आज हम जिक्र करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, बड़े ही मजेदार और धमाकेदार वीडियो होने वाली है। सभी वर्ब्स को हम क्लियर करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहले हम वर्ब का मतलब समझ लेते हैं। वर्ब क्या होती है? देखो, वर्ब VERB, इसकी प्रोनंसिएशन क्या है? इसे वैसे तो हम वर्ब कह देते हैं, पर सही में से वर्ब, यानी कि यहाँ पर आर साइलेंट होता है, आर बोला नहीं जाता है। आर से पहले अगर कोई भी वोवल आ रहा हो तो आर हमेशा साइलेंट होता है। बट ये बात सच भी और सच भी नहीं है, क्योंकि हर शब्द में, ज्यादातर हर शब्द में आर से पहले वो वर्ब आता है। मैंने कहा रेगुलर, छोड़ो रेगुलर छोड़ो, मैंने कहा इरेगुलर, ठीक है, मैंने कहा इरेगुलर। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर तो आर से पहले वो वर्ब है, यहाँ पर भी आर से पहले वो वर्ब है, तो इसे क्या बोलेंगे? युगु, इगुलर कुछ ऐसा बोलेंगे। बट नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो हमेशा ये नहीं होगा कि भी आर से पहले वो वाला, तो आर हमेशा साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कार, CAR, इसे तो हम कार ही बोलते हैं। कभी आपने इसे कार सुना है? ये कार ही होगा। अगर इंडिया के अंदर 99% लोग इसे कार कहते हैं, तो ये गलत नहीं है। बट हमेशा हर शब्द के आगे आर आर होता ही होता है। अगर आगे आर आ रहा है, तब तो हो भी नहीं सकता। तो ये फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। हमेशा ये नहीं होगा कि आर से पहले अगर आपको वोवल दिख रहा है, तो हमेशा आर साइलेंट होगा। वो आपको प्रोनंसिएशन चेक करनी पड़ेगी। तो वर्ब को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया को एक बार हम अपने बचपन में जाते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? जब किसी भी वाक्य के अंदर किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? अ वर्ब इज अ वर्ड विच इंडिकेट एनी एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो संकेत करता है, इंडिकेट करता है किसी प्रकार के एक्शन को। एक्शन यानी कि क्रिया, जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही हो, किसी प्रकार के एक्शन को और किसी प्रकार के स्टेट को। स्टेट का मतलब होता है दोस्तों अवस्था। क्या होता है? अवस्था। तो वर्ब क्या होती है? किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे वर्ब कहते हैं। अभी हम फोकस करेंगे किसी काम के करने पे, वो कैसे? देखो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, देखो एक्शन के अंदर वर्ब के। द पियोन ओपन द डोर, चपरासी दरवाजा खोलता है, फिर चपरासी दरवाजा खोलता है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखो, हमेशा मैं आपको वर्ब की दूसरी डेफिनेशन बताती हूँ। कर्ता जिस काम को कर रहा होगा ना, कर्ता काम क्या कर रहा है, उसे वर्ब कहेंगे। कर्ता यहाँ पर चपरासी है, कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। चपरासी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने का कार्य किसने किया? चपरासी ने। तो चपरासी ने कार्य क्या किया है? चपरासी ने कार्य किया है दोस्तों दरवाजा खोलने का। तो यहाँ पर अब मैंने कहा भाई, अगर कर्ता काम क्या कर रहा है वो ढूंढ लिया, तो वो हमारी वर्ब होगी। कर्ता ने तो काम किया दरवाजा खोलने का, तो ओपन द डोर वर्ब है। नहीं, ओपन द डोर वर्ब नहीं है, ओनली ये जो शब्द है ना ओपन्स, ये वर्ब है, क्योंकि इसमें कर्ता की एनर्जी यूज हो रही है। यानी कि देखो, ये जो चपरासी शब्द है, ये कोई अलग शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है, अलग शब्द है। और डोर कोई वस्तु है, बस चपरासी गया, उसने दरवाजा खोला है भाई। पर जो खोलने का कार्य किया जा रहा है, उसको ऐसे खोलने का कार्य किया जा रहा है, वो तो चपरासी के द्वारा किया जा रहा है। ये भाई, मैं जब मतलब पहले मैं कोशिश कर लेती हूँ भाई आपको क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, तो उसके अंदर मैंने सोचा था कि देखो, चपरासी दरवाजा खोला, और मतलब क्या कहते हैं कि भाई कर्ता ने काम क्या किया वो वर्ब होगा, पर कर्ता ने तो दरवाजा खोलने का काम किया है ना, तो दरवाजा तो अलग चीज है, पर खोला चपरासी के द्वारा किया गया है। तो कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता तो खोलने का काम कर रहा है ना, दरवाजा तो एक अलग चीज है, चपरासी अलग है, दरवाजा अलग है, पर खोलने का कार्य कर्ता द्वारा किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्ब कहेंगे।
क्योंकि जो भी करता है उसके द्वारा काम क्या किया जा रहा है। मैंने कहा सीमा ने गाना गाया, सीमा ने एक गाना गाया, तो सीमा द्वारा क्या काम किया गया? सीमा द्वारा गाना तो अलग चीज थी, सीमा द्वारा तो गाया गया है ना, उसमें उसकी एनर्जी यूज हो गया है। तो एक्शन की बात कर रहे हैं, जब कर्ता कोई काम करे, चलने का काम कर रहा हो, दौड़ने का काम कर रहा हो, भागने का काम कर रहा हो, लिखने का काम कर रहा हो, सोचने का काम कर रहा हो, सोच किसके बारे में रहा है वो वर्ब नहीं होगा, पर कर्ता कर क्या रहा है, उसके मतलब उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है किस चीज का, सोचने का, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा द बेल रिंग, घंटी बजी, बजने का कार्य किसने किया है? घंटी ने। तो ये हमारी क्या हुई? कर्ता हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ने क्या काम किया है? सब्जेक्ट ने किया है बजने का काम, तो जो भी काम हुआ उसका करना पाया जा रहा है, ये हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। ठीक है, सोहन गेव मी अ बुक, सोहन ने मुझे एक बुक दी। तो देखो सोहन ने किसको दी? मुझे दी। क्या दी? बुक दी। भाई कुछ भी दी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके द्वारा किया क्या क्या किया गया है? कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा कोई चीज दी गई है, तो कर्ता ने कुछ देने का काम किया, क्या देने का काम किया, किसे देने का काम किया, वो हमारी वर्ब नहीं होगी। ध्यान से सुन लेना, कर्ता जो कर रहा है, भाई मी मुझे सोहन वाए मैं आऊं, मैं तो अलग व्यक्ति हूँ, सोहन अलग है, बुक अलग है, पर दिया जा रहा है वो सोहन के द्वारा। तो सोहन और गेव है क्या? सोहन द्वारा क्या काम किया जा रहा है? गेव किया जा रहा है, तो हमारी वो क्या होगी? वर्ब होगी। ठीक है, अब आगे देखो, सुमन ड्राइव अ कार, सुमन एक गाड़ी चलाती है, तो यहाँ पर सुमन अलग है, गाड़ी अलग है, पर देखो सुमन द्वारा काम क्या किया जा रहा है? गाड़ी चलाने का, गाड़ी अलग चीज है, सुमन द्वारा, बताओ भाई अपने हमारे द्वारा क्या, मान लो मैं सुमन हूँ, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? मेरे द्वारा चलाने का काम किया जा रहा है, क्या चलाने का काम किया जा रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्या चीज सुमन कर क्या रही है, सुमन चलाने का काम कर रही है, तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। और इसी तरह दोस्तों हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होती होती है, अगर नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, वो और ही कुछ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलती हूँ दोस्तों, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसके अंदर आपको कोई वर्ब दिख रही है? कोई मैं, यानी कि भाई स्टूडेंट होने का कार्य कौन कर रहा है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट होने का कार्य मैं कर रही हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कौन सी अपने कौन क्या कार्य कर रहा है, यानी कि कुछ कार्य तो नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर भाई कार्य कर रहा था, उसकी एनर्जी यूज हो रही थी, पर इसमें तो कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। अगर इस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है, मतलब एनर्जी यूज नहीं हो रही, वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं है, और इस मैं कह रही हूँ ये सेंटेंस है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर वर्ब का काम ओनली एक्शन नहीं होता, स्टेट भी होता है, किसी काम का करना और होना पाया जाए, होना यानी कि अवस्था, यानी कि वर्ब अवस्था को ही बताती है कि हम किस अवस्था में है। यहाँ पर देखो आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरी अवस्था क्या है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, शी इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, तो उसकी अवस्था क्या है कि वो इंजीनियर है। आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, तुम्हारी अवस्था क्या है कि तुम विद्यार्थी हो, तो किसी काम का करना भी पाया जाएगा और होना यानी कि उसकी अवस्था भी बताई जाएगी, उन्हें भी हम वर्ब कहते हैं। तो ये एम इज आर, ये हमारी वर्ब होती है। एक्शन के अंदर आ गई हमारी ओपन, रिंग, गेव, ड्राइव, गो, डू एक्सेट्रा, ये तो हमारी होती है एक्शन के अंदर। आपने कभी वर्ब पढ़ी होंगी गाइड्स के अंदर, जितनी भी आप वर्ब पढ़ते हो ना, जो ऐसे लिखी होती है टेबल की तरह, वो सारी हमारी एक्शन वर्ब ही होती है जिन्हें हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि अगर हर सेंटेंस में अगर वर्ब आ रही है तो याद करना इंपॉर्टेंट है। और स्टेट स्टेट वाली यानी कि अवस्था वाली वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, गोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ये कार्य नहीं करती किसी प्रकार का, ये ओनली व्यक्ति की अवस्था को बताती है। ठीक है, तो इन हम क्या कहते हैं? स्टेट और एक्शन। ही हमने वर्ब का टॉपिक समझ लिया है, एक बार इस नोट को और पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो वर्ब होती है उसमें किस प्रकार का एक्शन हो रहा होगा, अवस्था बताई जा रही होगी, कोई काम किया जा रहा होगा, देखो डूइंग यानी कि करना पाया जाया होगा, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कर्ता जो काम कर रहा होगा उसे हम वर्ब कहते हैं। देखो यहाँ पर अभी मैंने एक बार और समझा देती हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल से, चपरासी ने दरवाजा खोला, चपरासी एक अलग व्यक्ति था, भाई ये एक अलग व्यक्ति है, इसकी एक आंख है, इसकी दो आंख है मान लो, पर जो खोला गया है वो चपरासी द्वारा, यानी कि एक मतलब एक फैक्ट में ये दोनों रिलेटेड है, इन दोनों का संबंध है, क्योंकि चपरासी ने ही खोला है, पर चपरासी दरवाजा नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो कर्ता ने काम क्या किया है? कर्ता ने खोलने का काम किया है, किसे खोलने का काम किया, क्या कौन, ये हमारी वर्ब नहीं होगी, जो भी उसने अपनी एनर्जी यूज की होगी, यानी कि कर्ता द्वारा कोई चीज खोली जा रही है, कर्ता द्वारा कोई चीज लिखी जा रही है, कोई चीज सोची जा रही है, क्या सोची जा रही है वो हमारी वर्ब नहीं होगी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं वर्ब के टाइप्स की तरफ, काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ, यानी कि
क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो ये जितने भी प्रकार है ये क्रिया के प्रकार नहीं है, यानी कि ये तो हमारी टोटली वर्ब है। अगर किसी ने पूछ लिया भाई वर्ब कितनी तरीके की होती है, तो उसे बताने के लिए आप बताओगे ओनली ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग। ये चार हमारी मेनली होती है, ठीक है? पर मैंने क्या कहा था कि हम पढ़ेंगे टोटली वर्ब, जितनी भी वर्ब होती है। अगर मेनली पूछी गई है भी महत्वपूर्ण बताओ, यानी कि वो पूछेंगे भाई वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको मेनली चार होते हैं, सारे नहीं बताने आपको, चार होते हैं ओनली ये। और मेनली पूछे यानी कि बिल्कुल मेन टाइप बताओ, तो ओनली दो जिन्हें आप हमेशा पढ़ोगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का तो नाम ही आ गया, और मेन वर्ब के अंदर ये तीन चीजें आ गई, ठीक है? तो और वैसे हम टोटली वर्ब पढ़ने वाले, तो हमारी कौन कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, और इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि इसे मैं अभी बता दूंगी, अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारा इनफाइनाइट हो गया, यानी कि इनफाइनाइटिव वर्ब होगी। कैसे? जैसे कि मैंने कहा टू, और एक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली कोई भी प्ले, तो टू प्ले हमारी क्या होगी? इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है? ये हमने अभी यहाँ पर समझ लिया है। और ये 10 वर्ब हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अगर कोई पूछे भाई मेनली कितने तरीके की होती है वर्ब, तो दो तरीके की, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और अगर आप या फिर ये बता दो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, या फिर बता दो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग हेल्पिंग, ये चार वर्ब बता दो। अगर आप वर्ब का टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तब तो आपको हमेशा ये चार दिखेंगी, और सिंपल आप इंग्लिश पढ़ते रहोगे तो आपके सामने ओनली दो वर्ब आएंगी, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो इन्हें सीरीज वाइज हम है पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम सीखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। दोज वर्ब्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट, वे वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया, इन्हें हम कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। तो ये वे वर्ब है जो जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, यानी कि वे वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट अपने पास रखती है, उन वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि जो कर्ता जो क्रिया कर रहा होगा ना, जो वर्ब कर रहा होगा, वो किसके ऊपर हो रही होगी, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आई बोट आ कार, मैंने एक कार खरीदी। तो देखो खरीदने का कार्य किसने किया है? मैंने किया है। तो यहाँ पर जो आई है हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट द्वारा क्या काम किया गया, क्या काम किया गया है? सब्जेक्ट द्वारा कोई चीज खरीदी गई है, तो बोट हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो यहाँ पर जो बोट है वो हमारी क्या है? वर्ब है। पर जो क्रिया हुई है वो किसके ऊपर हुई है? मैंने खरीदी है, क्या खराब खरीदी है? एक कार। तो जो हमारा एक कार होगा ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और एक ऐसी वर्ब है बोट जो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिनका खुद का ऑब्जेक्ट होता है। आगे हमारा एग्जाम्पल है, वी ईट राइस, हम चावल खाते हैं। चावल खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? खाया जा रहा है। चावल तो अलग बात है भाई, क्या खाया जा रहा है वो तो अलग बात है, पिज्जा बर्गर क्या खाया जा रहा है वो हमारी अलग बात है, पर कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता खाने का काम कर रहा है, नाचने का गाने का क्या कर रहा है? खाने का। तो हमारी क्या हुई? वर्ब हुई। वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, हाँ हम खाते हैं, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो हमारा है ऑब्जेक्ट, और ये एक ऐसी वर्ब है जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। सीमा सिंगर सॉन्ग, सीमा ने गाना गाया। गाना गाने का कार्य किसने किया? सीमा ने। सीमा द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? गाने की क्रिया की जा रही है, और वो गा रही है। क्या गा रही है? गाना गा रही है, भजन गा रही है, गीत गा रही है, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, क्या गा रही है? वो गाना गा रही है, और ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये कैसी वर्ब है जिसका खुद का ऑब्जेक्ट है? तो हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आगे देखो, आगे हमारी है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि सकर्मक, यानी कि साथ है क्या? कर्म, सकर्मक, ठीक है, साथ है कर्म। और अकर्मक में क्या होता है कि कर्म साथ नहीं है, ठीक है? दोज वर्ब्स दैट यूज विदाउट ऑब्जेक्ट, ये वे वर्ब होती है जिनका यूज बिना ऑब्जेक्ट के होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता है। जैसे कि बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना अर्थ पूरा कर देती हैं, ये वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ भी अपना अर्थ पूरा कर देती हैं, और इनमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता जब भी इनका अर्थ पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। तो यहाँ पर हमें पूरी बात समझ में आ रही है, कुत्ते भौंकते हैं हमें आगे जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है भौंकने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है?
डॉग्स के द्वारा। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या क्रिया कर रहा है, भौंकने की क्रिया कर रहा है, तुम्हारी वर्ब है और सेंटेंस ऐसा है अपना पूरा अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के हो और अपना पूरा अर्थ प्रकट करे, ठीक है। आगे देखो, सोहन वीप्स, सोहन रोता है। रोने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, सोहन के द्वारा। ये हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, रोने की क्रिया की जा रही है। तो वीप्स हमारी क्या हुई, वर्ब हुई, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर उड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, पक्षी के द्वारा। पक्षी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, फ्लाई उड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा भाई ऑब्जेक्ट ही है जरूरत, पक्षी उड़ते हैं, उड़ते कहाँ उड़ते, आसमान में उड़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम पता है पक्षी आसमान में उड़ेंगे। अगर आसपाई आ जाता है ना तो फ्लाई हमारी उस समय ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है क्योंकि इसका खुद का फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, कहाँ उड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा कर प्रकट कर रही है। तो फ्लाई, वीप्स, बार्क हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, सबको कंफ्यूजन होता है बट अब नहीं होगा क्योंकि अभी हम इसे 2 मिनट में खत्म कर देंगे। कौन सी वर्ब होती है ये, दीज वर्ब्स। ये वर्ब क्या करती है, कनेक्ट यानी कि जोड़ती है। किसे जोड़ती है, द सब्जेक्ट को, यानी कि कर्ता को, किससे, अ सेंटेंस से। कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को जो बाकी हमारा जो सेंटेंस बच जाता है उससे जो वर्ब जोड़ेगी ना उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये कनेक्ट कर देती है, जोड़ देती है सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं अध्यापिका हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई हमारा अध्यापिका होने का कार्य कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो आई हमारा क्या हुआ, आई हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, आई और टीचर, मैं अध्यापिका हूँ, मैं टीचर हूँ, तो इन दोनों चीजों को, मैं एक टीचर हूँ तो एक टीचर भी आ जाएगा। इन दोनों चीजों को जोड़ कौन रहा है, एम जोड़ रहा है। तो एम हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई नहीं, एक और दूसरा तरीका समझाने का, कैसे पहचानोगे कि भाई ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। अभी समझो, अगर सब्जेक्ट और जो बाकी का सेंटेंस है वो इक्वल है, वो इक्वल है, तो जो बीच में हमारी जो भी वर्ब यूज हो रही है ना वो हमारी लिंकिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं ही टीचर हूँ, क्या आई और टीचर इक्वल है, मुझे बताओ कि क्या आई और टीचर इक्वल है। यस, क्योंकि टीचर आई है इस सेंटेंस के अंदर और आई ही टीचर है, तो इनके बीच में जो भी वर्ब होगी वो हमारी लिंकिंग वर्ब होगी क्योंकि इन दोनों को वो क्या कर रही है, जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। आगे देखो, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो क्या वह ही डॉक्टर है, हाँ, क्या डॉक्टर वह ही इस सेंटेंस के अंदर, यस। तो शी और डॉक्टर इक्वल है, अगर इक्वल है तो इन दोनों के बीच में जो भी वर्ब यूज हो रही है वो हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये शी को डॉक्टर को कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, क्योंकि क्यों जोड़ रही है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, जैसे जोड़ेगी तो ही, ठीक है। आगे देखो, द डायमंड अपीयर्ड टू बी जेन्युइन, जो डायमंड है वो कैसा दिख रहा है, वो असली है, यानी कि असली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्या डायमंड ही असली दिख रहा है, क्या असली डायमंड ही है, हाँ, डायमंड और जेन्युइन तो इक्वल है, टू बी जेन्युइन, ये तो आगे की बात है, मेन तो हमारा जेन्युइन है ना, ये शब्द है ना, और इसके अंदर असली होने का कार्य कौन कर रहा है, द डायमंड। तो जो हमारा द डायमंड है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अपियर्ड। तो अपियर्ड हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, क्योंकि जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि डायमंड असली दिखा, तो दिखने का ये, इसने इसने कनेक्ट किया है इन दोनों चीजों को। या फिर आप ये समझ सकते हो कि अगर दोनों चीज इक्वल हो, सब्जेक्ट और जो पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, जो भी बाकी सेंटेंस बचा है उनको जो भी चीज जोड़ रही होगी वो हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारी फिफ्थ वर्ब है रेगुलर वर्ब, यानी कि नियमित वर्ब, जिसके अंदर नियमितता पाई जाए, यानी कि जिसका कोई नियम हो, कोई कोई रेगुलर वर्ब हो, यानी कि अभी हम पढ़ेंगे, देखो, दोस वर्ब्स विच मेक अ फिक्स पैटर्न, ये वे वर्ब होती हैं, फिर वे वर्ब जो अपना एक फिक्स पैटर्न बनाती है, यानी कि ये वे वर्ब है जिनका अपना फिक्स पैटर्न होता है, यानी कि ये नियम है तो है ही, इनके अंदर ये नियम फॉलो होगा, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। यानी कि देखो, फिक्स पैटर्न के अंदर वे वर्ब है ये जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंत में डी लगा होगा, डी हो सकता है, ईडी हो सकता है, आईईडी हो सकता है। आसानी के लिए और आसान कर देती हूँ, अगर रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी लगा होगा लास्ट में, जैसे कि प्ले प्लेड प्लेड, कैरी कैरिड कैरिड, सेव सेव्ड सेव्ड। तो यहाँ पर प्ले था, ईडी लगा दिया, कैरी था, वाई को हटाकर आईईडी लगा दिया, सेव था, ई था, तो हमने डी लगा दिया। तो ये वर्ब ऐसी है जिनके अंदर नियमितता पाई जाती है, यानी कि जिनका कुछ नियम होता है, कुछ फिक्स पैटर्न होता है, जो रेगुलरली यूज भी होती है।
ठीक है, तो ये वे वर्ब है और इनके अंत में हमेशा डी ही पाएगा, डी पा जाएगा, ईडी पा जाएगा या फिर आईईडी पा जाएगा। बट इनरेगुलर वर्ब इससे बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि जिसमें अनियमितता पाई जाती है, इसका अपना कोई फिक्स पैटर्न होता है। जैसे कि यहाँ पर डी होगा तो रेगुलर की हर वर्ब में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी ही पाया जाएगा, बट इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका। दिस वर्ब डज नॉट फॉलो फिक्स पैटर्न, डज नॉट फॉलो द फिक्स पैटर्न। ये कोई फिक्स पैटर्न, कोई पक्के पैटर्न को, फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो वेंट कौन, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग भी हो गई, तीनों अलग हो गई। कम केम कम, तो यहाँ पर पहली और तीसरी सेम हो गई। पुट पुट पुट, तीनों ही सेम हो गई। और एक और मैंने लिखी दोस्तों सिट सेट सेट, तो यहाँ पर पहली अलग है, दूसरी तीसरी सेम हो गई। तो इनका कोई पैटर्न थोड़ी ना है, तीनों अलग भी हो सकती है, तीनों सेम भी हो सकती है, पहली तीसरी भी सेम हो सकती है, दूसरी तीसरी भी सेम हो सकती है। तो इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और हमारी इररेगुलर वर्ब केवल दोस्तों 150-250 ही पाएंगे, उससे ज्यादा ही नहीं पाएंगी। हमारी सबसे ज्यादा यूज और सबसे ज्यादा है रेगुलर वर्ब। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इन वर्ब को याद कर लोगे तो ये वर्ब तो अपने आप ही डी लगा के बन नहीं जाएंगी। तो बस ये इररेगुलर वर्ब हमारी थोड़ी होती है, इररेगुलर वर्ब हमारी ज्यादा होती है और इनका यूज भी ज्यादा होता है। ठीक है, हमने 6 वर्ब पढ़ ली है, और अच्छा सॉरी सॉरी दोस्तों, हमने 3 पढ़ ली है, 5वीं छठी येरी और 4थी येरी, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसके अंदर क्या है, दोज वर्ब्स वे वर्ब विच मेक अ टेंस, जो एक टेंस बनाती है, टू कंबाइन विद मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ मिलकर। शायद आपने टेंस पढ़े हो ना पढ़े हो, पर कोई बात नहीं, जो टेंसेज होते हैं दोस्तों वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के मिलने से ही बनते हैं। अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो टेंस भी नहीं होंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिलने से, उनके जुड़ने से ही हमारे टेंस की फॉर्मेशन होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इन्हें मेन वर्ब के साथ जोड़ देंगे तो टेंस बना देंगे। इसलिए इसकी परिभाषा में दोज वर्ब वे वर्ब जो बनाती है एक टेंस को जोड़कर, टू कंबाइन विद मेन वर्ब एंड शोज एनी स्टेट, यानी कि किसी प्रकार के अवस्था को शो करती है। मैंने भी वर्ब के बारे में बताया था, किसी काम का करना हो या होना पाया जाए, करना पाया जाएगा मेन वर्ब में और होना पाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। हमने 4 वर्ब पढ़ ली है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और लिंकिंग हमारी मेन वर्ब में के अंदर आ गई, लिंकिंग वर्ब के अंदर हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, मेन वर्ब भी आती है। और हेल्पिंग वर्ब स्टेट को शो करती है, ये तो स्टेट को शो करेंगी, और मेन वर्ब एक्शन को शो करेंगी, तो किसी प्रकार की अवस्था को भी शो करती है। कैसे, वो भी पढ़ेंगे। देखो ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर देखो राइटिंग हमारी मेन वर्ब है, अब यहाँ पर मेन वर्ब के साथ ये इज हेल्पिंग वर्ब जुड़ी है, तभी तो हमारे ये टेंस बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। अगर यहाँ पर मैं इज की जगह लिख दू वाज, वॉज राइटिंग, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इज के साथ ही तो मेन वर्ब के जुड़ने से टेंस बना है, इसलिए ऐसे ही बन गया। और दूसरा ही इज अ पुअर मैन, वह एक पुअर मैन है, वह एक गरीब आदमी है। तो यहाँ पर उसकी अवस्था क्या है कि वो क्या है, एक गरीब आदमी है। तो हमारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव अ टॉय, मेरे पास एक टॉय है, एक खिलौना है। तो ये मेरी अवस्था है कि मेरे पास क्या है, एक खिलौना है। हैज हैव पास होने को दर्शाते हैं, ठीक है। ही हैज अ काउ, उसके पास क्या है, एक गाय है, ठीक है। तो उसके पास है, उसकी अवस्था क्या है, उसके पास एक गाय है। ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जितने भी वर्ब हमारी रह चुकी हैं उन्हें और हमारी 7th वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब जो ये वर्ब आएंगे ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह, कोई इनमें अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। क्या, देखो दीज वर्ब हेल्पिंग द मेन वर्ब, ये वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है और ये अवस्था को भी बताती है, मेन वर्ब की हेल्प भी करती है, और मेन वर्ब की हेल्प करके ये कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑन देयर ओन, ये खुद ही अपना मीनिंग, खुद ही अपना अर्थ कंप्लीट कर लेती है। कैसे, एग्जांपल देखो, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, वॉज प्लेइंग मेन वर्ब के साथ जोड़कर इन्होंने टेंस भी बना दिया। तो एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी है, कोई अंतर नहीं है, सेम सेम है बस। और क्या है, और इसके अंदर क्या, इसने अपना भाई खुद ही मेन वर्ब के साथ जुड़ के अपना अर्थ प्रकट कर दिया कि भाई वह खेल रहा था, खुद ही अपना अर्थ प्रकट कर दिया। यहाँ पर भी देखो, अकेली भी अपना अर्थ प्रकट कर देती हैं, इनका क्या है, मेन वर्ब के साथ जुड़ देती हैं, जुड़कर उनकी हेल्प करती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब के साथ जुड़कर टेंस बनाती है, इन वर्ब का क्या है, ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं।
और दूसरा क्या है कि खुद ही अगर मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही अपने सेंस को, खुद ही अपने अर्थ को कंप्लीट कर लेती है। जैसे कि ही वॉज एट होम, वह घर पर था। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये कोई टेंस नहीं है, ये ओनली पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि था, पिछली बात हो गई तो ओनली पास्ट पास्ट टेंस है, कोई इंडेफिनेट कंटिन्यूस ये टेंस ही कहा नहीं है, हम बाद में पढ़ लेंगे इसे। तो देखो बिना किसी वर्ब के ओनली इस वर्ब ने अपना अपने आप ही अर्थ प्रकट कर लिया, भाई मैं घर पर था। पूरी बात हमें समझ में आ गई। तो हमारी जो वॉज होगी ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब के साथ जुड़कर टेंस बनाएंगी और किसी प्रकार की अवस्था को बताएंगी। ये ओनली मेन वर्ब के साथ उनकी हेल्प करेंगी, मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की हेल्प करेंगी। और दूसरा अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो अपना अर्थ खुद ही कंप्लीट कर लेंगी। जैसे कि यहाँ पर अपना अर्थ खुद खत्म कर रही है, ठीक है। दे आर रनिंग, वे खेल रहे थे। यहाँ पर उन्होंने मेन वर्ब की हेल्प करी है ना, जबी तो मेन वर्ब का टेंस बना अपना खुद का। मेन वर्ब ने हेल्प लिया आर की, ठीक है। दे आर डॉक्टर, वे चिकित्सक है, वे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है, तो आर जो है वो अपना खुद ही प्रकट कर रही है, खुद कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ठीक है, बिना मेन वर्ब के। तो ये खुद ही भी किसी सेंटेंस के अंदर अपना अर्थ प्रकट कर देती है। इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और ये हमारे एक प्रकार से लिंकिंग वर्ब भी है, क्योंकि भाई वे डॉक्टर है, वे ही तो डॉक्टर है ना, तो आर हमारे बीच में लिंकिंग वर्ब भी है। ये हेल्पिंग वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब भी है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये तीनों थोड़ी थोड़ी सी सेम है, बट लिंकिंग वर्ब इन दोनों से थोड़ी अलग है, क्योंकि तो कनेक्ट करती है लिंकिंग वर्ब। आगे देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। बस ये पता है, ये इंग्लिश ग्रामर का अलग टॉपिक था। मॉडल एक टॉपिक अलग से, फाइनाइट नॉन फाइनाइट एक टॉपिक अलग से, बस इस इनके पीछे वर्ब लगा दिया, इसलिए मैं अभी आपको ये सिखा रही हूँ, ठीक है। वैसे हमारी मेन अभी तक मैंने जितनी सिखाई है वे थी, ये तो आप पढ़ते रहोगे। मॉडल क्या होते हैं आपको पता है भाई, आपने सीखे होंगे। दीज वर्ड्स इंडिकेट मूड, ये हमारे मूड को मूड की तरफ इंडिकेट करते हैं, उनकी तरफ संकेत करते हैं। जैसे कि हमारी कोई क्षमता है तो हमारा मूड है ना, कि भाई हमारी क्षमता है, किसी को हम चेतावनी दे रहे हैं, हमारे मूड है, मन की बातें हैं, परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो एक्सेट्रा। ये आप मॉडल के टॉपिक में पढ़ लोगे और मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे मूड को इंडिकेट करती है। हमारे 13 मॉडल होते हैं, जैसे कि आप मॉडल के टॉपिक में इन सबके यूजेस आराम आराम से पढ़ोगे। हम मॉडल नहीं पढ़ रहे, मॉडल का टॉपिक अलग है, हम पढ़ रहे हैं वर्ब। अगर इसके बाद वर्ब आ रहा है मॉडल के बाद, तो एक बार हम इसे सीख लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे 13 मॉडल होते हैं, ये रहे हमारे 13 मॉडल, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड और टू डेयर डेयर मस्ट, ये सारी हमारे 13 होते हैं, सब कुछ मैं लिख रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो तुम्हारे अंदर ये तुम्हारी एबिलिटी कैपेसिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो कैन है हमारा मॉडल है, क्योंकि ये मूड को बताता है, हमारे हमारे मन में धारा कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्षमता बता रहे तुम्हारी। तो ये हमारी क्या है, मॉडल है। अब हमारी दो वर्ब बचती है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, उन्हें और सीख लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, टॉपिक अलग से उसमें भी हम सीख लेंगे, बट कोई नहीं, अगर वर्ब का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इन्हें और सीख लेते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट एंड फाइनाइट फाइनल टॉपिक क्या है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके बारे में हमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, दीज वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ये वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो चेंज हो जाती है, जो बदल जाती है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, अपने कर्ता के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाए उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो यहाँ पर देखो फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट जो है क्या कार्य कर रहा है, वो खेलने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये प्ले हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर तो देखो आई था इसलिए हमारी प्ले रही, बट शी आते ही सब्जेक्ट शी होती है, प्लेज हो गई। वह फुटबॉल, यहाँ पर था मैं फुटबॉल खेलती हूँ, वह फुटबॉल खेलती है, फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रही है, वह कर रही है, शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शी आते ही से चेंज होना पड़ा। तो ये प्ले प्लेज, ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है, तो इन्हें हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब चेंज हो जाए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट इसके अपोजिट होंगी, दीज वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग देयर सब्जेक्ट, ये वर्ब चेंज नहीं होंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, इसके अंदर आई है, जब भी पहले मैं तीनों सेंटेंसेस बोल देती हूँ, आई एम फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आई आई था, आई से शी हुआ, शी से वी हुआ, सब्जेक्ट तीन बार बदला, पर प्लेइंग ने अपनी शर्म नहीं बगाई, वो जैसी थी वैसी रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं नहीं बदल
बदलने वाली, तो कोई भी सब्जेक्ट है ये बदलती नहीं है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में बस इतना ही अंतर है कि ये वाली बदल जाती है और ये वाली नहीं बदलती है। तो इस तरह हमारा टॉपिक होता है खत्म। हमारी 11 वर्ब थी अभी मैंने आपको बताया था, इनफिनाइट वो मैंने आपको बता दिया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा वो कहलाएगा इनफिनाइट। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और आगे की वीडियो अगर लेना चाहते हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो आपकी मर्जी है, करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वे भी वर्ब्स को सीख सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, खाओ पियो, खुश रहो।